हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे बेटा वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। हाँ जी बेटा, 4.4 दे विच देखो भी दो पार्ट ने। फर्स्ट पार्ट दे विच उन्होंने की कहा है, गिव द जोमैट्रिक रीप्रजेंटेशन ऑफ वाई इजिकल टू 3 हैज़ एन इक्वेशन इन 1 वेरीएबल इन 2 वेरीएबल। क्लीयर भी अपने जमैट्रीकल रीप्रजेंटेशन देना भी, ठीक है भी। एक्सरसाइज हैगी 4.4 फस्ट पार्ट। हाँ जी बेटा, बाई इजिकल टू 3 उन्होंने देता भी। फस्ट के उन्होंने की किया है, इन 1 वेरीएबल। क्लीयर है भी। सैकेंड उन्होंने की किया बेटा, इन 2 वेरीएबल। क्लीयर है बेटा। हाँ जी, पहला 1 वेरीएबल देखो उन्होंने की दिता है, अपन वाई इजिकल टू 3 दिता है। इट मीनस ये वेरीएबल की है, 1 है, वाई है। क्लीयर है भी। हूँ इन 2 वेरीएबल, क्योंकि यद ग्राफ अलग बनू बेटा, यदा ग्राफ अलग बनूगा। हाँ जी, ग्राफ मैं बाद बना के समझा रहा तुम्हें, पहला समझ लो भी इदा ही भी 2 वेरीएबल 1 वेरीएबल। हूँ 2 वेरीएबल देखो बेटा, आप 0x + y = 3 लिख सकते हैं ना। 2 वेरीएबल बन गए, 2 वेरीएबल क्या है, 0x, क्योंकि एक्स वाई टर्म उन्हें नहीं दिखती भी, करके आप 0x लिख सकते हैं। 0x + y = 3। हूँ बेटा इतने वैल्यू पुट करके देखो, x = 1 पुट कर दो, 0 × 1 + y = 3। 0 + y = 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आजूगी, 3 आजू, क्योंकि 0 × 1 मल्टीप्लाई करे 0 आजू। फिर बेटा आप x = 2 पुट कर लो, तो 0 × 2 + y = 3। 0 × 2 × 1 0 आजू, + y = 3, तो वाई कितना आ गया तुहाडे कोल, 3 आ गया। हुण इत्थे बॉक्स बनाओ भी, ठीक है भी। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू की पुट करिए 1, वाई की वैल्यू की आ गई 3। एक्स की वैल्यू की पुट करिए अपने 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। हुण इत्थों आपां नूं क्लीयर की हो गया बेटा, इत्थों आपां नूं ये क्लीयर हो गया भी आपां एक्स की वैल्यू कुछ मर्जी पुट करी जाओ, क्लीयर है, वाई की वैल्यू सेम आऊगी। क्लीयर है बेटा। 3 पुट करोगे 3 0 0 होजू, 4 पुट करोगे 4 0 0 होजू। क्लीयर भी। मीनस आप इतने इन 2 वेरीएबल दे विच जे आप एक्स की वैल्यू कुछ मर्जी पुट कर लो, 1 तो लैके 100 तक, 100 1 200 300 400 1000, तो वाई की वैल्यू की आऊगी, 3 ही आऊगी बेटा। क्लीयर है। हुण ग्राफ देखो भी, इन्हों दोनों इक्वेशन का, इन 1 वेरीएबल तो इन 2 वेरीएबल का ग्राफ कैसे बनेगा। क्लीयर है। हाँ जी बेटा, मैं 2 ग्राफ बना रहा, पहला तो आ देखो भी, इन 1 वेरीएबल का देखो भी ग्राफ, आडे को आ गया वाई वाली टर्म, इधर वाई माइनस वाले मीनस नैगेटिव टर्म्स आ गई। क्लीयर है। हाँ जी बेटा, आ एक्स पॉजिटिव, आ एक्स नैगेटिव, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3, इधर भी माइनस आऊगा बेटा। क्लीयर है भी। हूँ उन्होंने की कहा, वाई इजिकल टू 3 कहे, वाई वाली 3 वाली टर्म आ गई, एक्स 0 कहे, तो इतने थोड़ी लाइन सीधी स्ट्रेट एवं लग जूगी। क्लीयर है। यह आंसर की आजूगा, x 0 / 3। क्लीयर है भी। यहाँ सीगा वाई इजिकल टू 3 वाला इन 1 वेरीएबल, वह ग्राफ आ गया भी। हूँ आह वाली टर्म का ग्राफ देखो भी, इन 2 वेरीएबल कह बेटा उन्होंने, 2 वेरीएबल के आप ग्राफ देखो कि बनूगा। हाँ जी बेटा, आडा वाई एक्स इज आ गई, नैक्सट भी आडे को आ गई एक्स एक्स इज। क्लीयर है भी। एक्स आ गया इधर, इधर एक्स माइनस वाले आ गए। हाँ जी, वाई वाले टर्म हूँ हाईएस्ट टर्म 3 के है, 3 3 पुट कर लो, 1 2 3 बेटा, 1 2 3, -1 -2 -3। हाँ जी, -1 -2 -3। हाँ जी बेटा, एक्स किन्ना है 1, वाई किन्ना बेटा 3, एक्स किन्ना है 2, वाई किन्ना बेटा 3, उरे आजूगा 1 3 2 3। क्लीयर है भी। 9 थोड़ी फिर अगेन स्टेट लगेगी। क्लीयर है। जे एक्स 0 पुट कर दें तो वाई किन्ना आजूगा 3, तो बेटा आ वाली टर्म भी बन सकते आप। क्लीयर है भी। ये थोड़ा की बन गया, ग्राफ बन गया भी। क्लीयर है बेटा। यह एक्सरसाइज 4.4 का फस्ट पार्ट भी। क्लीयर है। हूँ सैकेंड पार्ट, सैकेंड पार्ट के भी बेटा सेम आऊगा, सैकेंड पार्ट का फस्ट सैकेंड। हूँ उन्होंने की कहता, 2x + 9 = 0 हैज़ एन इक्वेशन इन 1 वेरीएबल इन 2 वेरीएबल। क्लीयर है भी। इतने मैं तुम्हें हिंट दिना सैकेंड पार्ट का। हूँ जिम्मे बेटा सैकेंड पार्ट के देखो,
हाँ जी बेटा, सैकेंड पार्ट के उन्होंने इक्वेशन की दिती है, 2x+9=0। क्लीयर है भी? फस्ट पार्ट इन वन वेरीएबल, हाँ जी वन वेरीएबल देखो भी, 2x+9=0। 2x तो टाइम ही रहे जो वेरीएबल तो वन है बेटा, एक्स आता कॉन्सटेंट टर्म है, 9 उधर आके की होजूगा माइनस का, एक्स तो टाइम ही रह जूगा माइनस 9, 2 की होजूगा डिवाइड बेटा। हुण इहनूं डिवाइड करके देख लो आंसर किना आजू, -4.5। क्लीयर भी? एक्स किन्ना आ गया -4.5। हुण इहदा ग्राफ देखो भी किवें बनूगा, आ वाई वाली टर्म आ गई बेटा, आ तुहाडे कोल एक्स वाली टर्म आ गई। क्लीयर है भी? हाँ जी बेटा, 1, 2, 3, 4, हाँ जी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5। क्लीयर है भी? फिर नीचे -1, -2, -3, -4, -5। हाँ जी बेटा, हुण उन्होंने की कहा भी x=4 -4.5 कहा। क्लीयर है? y की है 0 है, एक्स उन्होंने की कहा -4.5। हाँ जी, उरे -4 आ गया, ये सेंटर के उरे आ गया, तो की आ गया -4.5, तो y की है तो 0 है, फिर आ लाइन थोड़ी इदा लगेगी -4.5 पास आउट। क्लीयर है भी? ये आ गया थोड़ा फस्ट पार्ट भी। हाँ जी बेटा, सैकेंड पार्ट के उन्होंने की कहा इन टू वेरीएबल, सैकेंड पार्ट के उन्होंने की कहा इन टू वेरीएबल। हाँ जी, टू वेरीएबल वे बेटा आप लिख सकते हैं 2x+0y+9=0। क्लीयर है भी? फिर अगेन आप, हाँ जी, इन पेल 2x+0y हैज इट इज़ रेज, जो +9 है उधर जाके माइनस का हो जाओ। हूँ इतने एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की, सॉरी, हाँ जी बेटा वाई की वैल्यू आप 1 पुट कर ली। क्लीयर है? तो एक्स की किन्नी आजगी 2x+0 × 1=9। हाँ जी बेटा, 2x+0 1 कर 0=-9, तो 2x एवं रहेगा क्योंकि 0 आप लिखने की जरूरत नहीं, -9। एक्स की वैल्यू किन्नी आजू -9/2, हाँ जी डिवाइड होकर एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई -4.5। क्लीयर है भी? जो आप वाई की वैल्यू अगेन 2 पुट कर लो भी, तो एक्स की वैल्यू किन्नी आ जाएगी 2x+0 × 2=-9। 2x+0 ना कर 0=-9, 2x एवं रह जाऊ -9/0 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स एवं रह जाऊ बेटा, तो 2 की वैल्यू डिवाइड, तो आंसर एक्स की वैल्यू किन्नी आजगी -4.5। जिमें फस्ट सम के मैं तुम्हें दसा थी वह एक्स की वैल्यू पुट करी सी, हूँ इतने वाई की वैल्यू कुछ मर्जी पुट करी जाओ तो एक्स की वैल्यू की आऊगी बेटा, सेम आऊगी। क्लीयर है भी? हाँ जी बेटा, हूँ यह ग्राफ देखो भी, सैकेंड पार्ट का ग्राफ देखो, इतने बॉक्स बना लो भी नीचे एक्स वाई। हाँ जी बेटा, वाई की वैल्यू की पुट करी थी 1, एक्स की वैल्यू किन्नी आई थी -4.5, एक्स वाई की वैल्यू की किन्नी पुट करी थी 2, एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई -4.5। क्लीयर है भी? हाँ जी, यहाँ ग्राफ देखो भी, आडे को वाई एक्सिस आ गई भी, हाँ जी नैक्सट भी आडे को आ गया एक्स एक्सिस आ गई, एक्स माइनस वाले आने इधर एक्स प्लस वाले, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4। क्लीयर है भी? हाँ जी बेटा, हूँ इतने देखो उन्होंने पहला वाई किन्ना कहा सीगा, देखो भी वाई किन्ना कहा सी 1, वाई 1 आ गया। क्लीयर है भी? हाँ सॉरी, वाई 1 आ गया, वाई वाली टर्म 1 आ गया बेटा, एक्स किन्ना कहा -4.5, तो उरे आ गया थोड़ा, ठीक है भी 1, -4.5, 1, क्योंकि वाई वाली टर्म वाई के 1 कहा उन्होंने। अगे भी तो एक्स वाली टर्म -4.5 बेटा सेम आऊगी, मीनस एक्स किन्ना कहा 2, तो उरे आ जूगा -4.5, 2। क्लीयर है? फिर तुसी ने स्केल नाल बेटा उन्होंने ज्वाइन करना है। क्लीयर है भी? आडा की बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लीयर है भी? ए सी की तुहाडी एक्सरसाइज 4.4 बेटा, अज का जो तुहाडा होमवर्क है बेटा वही एक्सरसाइज तुसी ने 4.4 फेयर नोटबुक के उपर बेटा कंप्लीट करनी है भी। हाँ जी बेटा, थैंक्स स्टूडेंट।